उसे सात दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका जो आंखों में थी। ये डिजाइनर है ना जो ये वाला, इसको बेस्ट डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। जबरदस्त। जब तुम दुल्हन बनोगी ना मेरी, तो इसी से तुम्हारा ड्रेस बनवाऊंगा। बहुत महंगा है, हमारी औकात नहीं है, दिला नहीं सकोगे। ऐसे क्यों कहती है? माना आज ना सही, लेकिन एक दिन मेरी औकात इस काबिल होगी, इसकी पूरी दुकान खरीद लूंगा। क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। जो ड्रेस पसंद आता है, जितने भी ड्रेसेस हैं, ले लीजिए आप। मैं क्या करूंगी इतने सारे ड्रेसेस का? जो पसंद आए पहन लीजिएगा, बाद में जो नहीं आए वो दे दीजिएगा किसी और को। जी नहीं, ये एक ही बहुत है। कमाल लड़कियां, नॉर्मली तो लड़कियां डिजाइनर वेयर करने के लिए पता नहीं सिर्फ एक ही चेंज कर लें, पेमेंट कर लें। एंड आई थिंक बहुत है, दैट्स इट, जल्दी करवा दो। कुछ बताइए अपने बारे में। कॉलेज जा रही हैं? नहीं। क्यों? मम्मी ने कहा है शादी करो। और आपने क्या कहा? शादी करो। देखिए आप प्रेशर मत लीजिए घर वालों का, बट यू नो आप अगर चाहें तो मैं आपकी एजुकेशन कंप्लीट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। शादी के नेक्स्ट डे फाइनल एग्जाम है। अच्छा, तो शादी आगे कर देते हैं? नहीं, मम्मी ने कहा है शादी करो तो शादी करनी है, मुझे नहीं पढ़ना। काफी फरमाबरदार बेटी है। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? प्लीज इतना प्रेशर मत लें शादी का। देखिए मैं कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा। आपने जितना पढ़ना है, जहां तक पढ़ना है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, मुझे मुझे खुशी होगी। रोए नहीं प्लीज, बल्कि आप एक काम कीजिए, आप
शादी की तैयारी के साथ साथ एग्जाम्स की तैयारी भी कीजिए, ओके? थैंक यू। ऐसे उदास मत हो, पता नहीं लोग। सो सॉरी, कॉल मुझे सुननी है पर शोर बहुत ज्यादा है। इम्पोर्टेंट कॉल है, मीटिंग है, एक्चुअली बाहर से कॉल है। जस्ट 2 मिनट्स, ओके? हाय, या हाय।